हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर टुगेदर एंड वी आर डूइंग डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूं, आपको वीडियो में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहता हूं। तो जल्दी से जरा इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आज हम एफ ब्लॉक की शुरुआत करेंगे। एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड्स की स्टडी करेंगे। लेंथेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन सिक्स्थ पीरियड, जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में आते हैं। इनको हम रेयर अर्थ मेटल भी कहेंगे, बिकॉज दे आर रेयरली फाउंड इन अर्थ। अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है एन माइनस टू, एफ वन टू 14, एन माइनस वन, डी वन और जीरो, एन एस टू। लेंथेनॉइड्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्स पीरियड से स्टार्ट होते हैं। अगर एन की वैल्यू यहां सिक्स रख दी जाए, सो द लेंथेनॉइड्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी 4F1 to 14, 5D1 or 0, 6S2. You must remember this configuration. It's a wonderful. There is wonderful question can be framed. What will be the electronic configuration of lanthanoids? General configuration. Here is lanthanoid series. हालांकि मैंने इसको top to bottom लिखा है, बट पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट टू राइट होती है। पीरियड की बात कर रहे हैं इसलिए लेफ्ट टू राइट ही होगी, ऑब्वियस है। लेंथेनम से स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन। इनको अपन ऐसे भी लर्न रख सकते हैं, एब्रीवेट कर सकते हैं, LCP, NPS, EGT, DHE और TYL। LCP, NPS, EGT, DHE, TYL. And how we can pronounce? Lanthanum, cerium, praseodymium, niobium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, diospornium, holonium, erbium, thulium, yttrium, allocation. Lanthanum D block का element है, naturally 4F0 5D1 6S2 होगा। ध्यान से देखेंगे configuration, बड़ा important है क्योंकि oxidation states की stability भी इसी से निकलेगी। Cerium में 4F में एक electron आना चाहिए था, लेकिन nature में F में दो electron मिले, और हुआ कुछ यूं कि 5D का भी इलेक्ट्रॉन 4F में आ गया, इसलिए सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन रहा 4F2 5D0 6S2। उसके बाद कंटिन्यूएशन में इलेक्ट्रॉन खिलाऊंगे 4F3 4F4 4F5 4F6 4F7। द रिमेनिंग इज रिमेन सेम 5D0 एंड 6S2। यहां हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, F0, F7 and F14 are the stable configurations. Elements will try to have these configurations. कोशिश करेगा कैसे भी करके और ये configuration रहे। तो gadolinium में 4F में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए, हाफ फिल्ड configuration रखने के लिए, 8th इलेक्ट्रॉन 5D में चला गया और गैंडोलियम का कॉन्फ़िगरेशन रह गया 4F7 5D1 6S2। टर्बियम में एक इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए था, बट 5D का भी इलेक्ट्रॉन आ गया और गया 4F9। एक इलेक्ट्रॉन भरा और एक आ गया 5D से, तो 4F9 हो गया। देन आफ्टर देयर इज रेगुलरली फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
बट इन ल्यूटेशियम यटरबियम में 4F14 आ गया स्टेबल यटरबियम में, ल्यूटेशियम में ल्यूटेशियम कोशिश करेगा स्टेबल रह जाए, फुल्ली फिट रह जाए, 4F14 रह जाए और आने वाले इलेक्ट्रॉन को 5D में भेज देगा। आप देखेंगे हमने कॉन्फिगरेशन लैंथेनम से स्टार्ट किया, 5D1 6S2 से स्टार्ट किया और ल्यूटेशियम में भी 5D1 6S2 मिल गया और 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 14 लैंथेनॉइड्स में, 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 14 लैंथेनॉइड्स में। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी देखें, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें कि वो आयन स्टेबल हो जाए, तो सीरियम में 4F में से 4 हटा दीजिए, 6S2 हटा दीजिए, 4F2 हटा दीजिए, ये कर दीजिए 4F0 5D0 6S2, तो 4F0 स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, यानी कि सीरियम के लिए +4 स्टेबल हो गया। टर्बियम पर आ जाइए, 4 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए 6S2 और 2 4F में से, तो 4F7 आ जाएगा, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन हो गया, यानी कि टर्बियम में +4 स्टेबल, तो सीरियम और टर्बियम की +4 स्टेबल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 देखे जरा, यूरोपियम में से 6S2 हटा दीजिए तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ गया, यटरबियम में से इस 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए तो 4F14 हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सीरियम और यटरबियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, उस समय कंफ्यूजन होने की पोजीशन होगी, तो सीटी में तो हुआ +4 और ईवाई में हुआ +2, सीटी ईवाई, सीटी में +4 सीरियम टर्बियम, +4 ईवाई यूरोपियम यटरबियम, +2। इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिए, जल्दी से रिलैक्स होइए, थोड़ा सा कूल होइए और दोबारा स्टडी स्टार्ट करेंगे हम। बीच में वीडियो को जरा लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो, नाउ वंस अगेन वी विल कंटिन्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स देखें, डेंसिटी इज वेरी हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स, मेल्टिंग पॉइंट विल बी ऑल्सो बी वेरी हाई, कलर इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एज लाइक इन डी ब्लॉक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर आयंस और ऑल्सो करंट, लेकिन एक चक्कर पड़ेगा, एक फर्क पड़ेगा यहां, FF ट्रांजिशन विल टेक्स प्लेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में आ रहे हैं, सो FF ट्रांजिशन विल टेक्स प्लेस, ड्यू टू लार्ज साइज आयनाइजेशन एंथैल्पीज विल बी लो, इलेक्ट्रॉन विल बी लूजली बॉन्डेड, सो बाय गिविंग लो अमाउंट ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड, एंड इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल है तो वैसे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होंगे, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो एनर्जी जल्दी से इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देंगे, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इनका बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन वी गो इन लैंथेनॉइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज इज इरेगुलर, अगले वीडियो में देखेंगे साइज इरेगुलर क्यों है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज इज इरेगुलर, लेकिन सारे लैंथेनॉइड्स को +3 में चेंज कर लें, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट साइज इज रेगुलरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देख सकते हैं मैंने लाइन को ऐसे बनाया है, लैंथेनम +3 सबसे बड़ा होगा, ल्यूटेशियम +3 सबसे छोटा, सो इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन,
my friends, it is called lethaloid contraction. पहले left to right size irregular, plus 3 में regular decrease. इसीलिए कहते हैं इसको lethaloid contraction, contract होता जा रहा है size धीरे धीरे, और इसीलिए कहते हैं in plus 3 oxidation state, plus 3 oxidation state is most common stable oxidation state. Answer will remain same. Question आया, why plus 3 oxidation state of lanthanoid is most common stable? तो कहेंगे in plus 3 oxidation state there is regular decrease in size, that's why plus 3 is most common stable. और मेरे वीडियोस देखते रहिए फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच. अगले वीडियो में देखेंगे पहले साइज इरेगुलर क्यों था और प्लस 3 में ऐसा क्या हुआ कि साइज रेगुलरली डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होने के कंसीक्वेंस क्या हुए, फायदे क्या हुए, इनके बारे में देखेंगे. थैंक यू.